बजट पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है और डॉक्टर गोपाल भाई थी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं आखिर उनको जो उम्मीदें थी क्या वो उम्मीदें मोदी सरकार ने पूरी की है या नहीं। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के सामने तो बजट कितना ही अच्छा रख दो लेकिन वो बजट की बुराई करेंगे, बाकी बजट अच्छा है या नहीं है? देखो मैंने पूरा बजट सुना, बजट में एक चीज बहुत बढ़िया है कि लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। हाँ। जो वित्त मंत्री जी का भाषण था हाँ। बहुत बढ़िया था हाँ। लेकिन उसमें सिर्फ शब्दों का मायाजाल है हाँ। न तो कहीं स्पष्ट निर्देश दिशा है न कोई इसके अंदर स्पष्ट प्रोजेक्शन दिया गया है कि किस तरह किसानों की हालत ठीक करेंगे, कैसे रोजगार बढ़ाएंगे, कैसे अपने उद्योगों को ठीक करेंगे, कैसे जो मिडिल क्लास उसको ठीक करेंगे, कैसे व्यापार ठीक करेंगे, कैसे अर्थव्यवस्था में जो ऋण गिरावट निरंतर गिरावट उसको रोकेंगे, कहीं कुछ भी इसमें नहीं है। और आप एक चीज और देखो, इन्होंने बजट के अंदर जो था ना किसानों का आय दुगनी करने का, वो 2022 से छोड़ दिया कि 2022 तक दुगनी करेंगे। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, आज बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार हम 2 करोड़ देंगे अब करे देंगे और अब तक दिया उसका उन्होंने लिखा जवाब नहीं दिया, अब तक हमने क्या किया। कुल मिला के बजट में कोई दिशा नहीं है, बजट में कोई किसी भी क्लास के लिए स्पष्ट आश्वासन नहीं है और न स्पष्ट कोई ऐसा रास्ता दिखता है कि जिसमें आप व्यापारी या किसान या मजदूर या गरीब ये सोच सके कि मेरे इतने बजट है। और सबसे बड़ी बात, इस समय देश में जो अफरा तफरी मची हुई है उसको लेकर बजट बिल्कुल मौन है। अरे किसानों के लिए बहुत उम्मीदें किसानों को थी, सरकार इस वक्त ये कह रही है कि हम अब जो उसे कहने वाला है सरकार परफॉर्म तो करें। सरकार पहले ये तो माने अपनी विफलता को कि जो उन्होंने कल आर्थिक सर्वे पेश किया है उसमें अधिकांश जो इनके डिपार्टमेंट है जो अलॉटमेंट उसमें हुआ है कहीं 60% नहीं हुआ, कहीं 70% नहीं हुआ और किसानों पर 99.5% नहीं हुआ। सरकार की पूरी विफलता दर्शाती है ये। इसलिए कुल मिला के बजट केवल इन्होंने औपचारिकता पूरी करी है, तो बजट पास करना है। दो बातें और, एक टैक्स स्लैब में जो राहत दी वो अच्छा लगा क्या आपको, और दूसरी बात क्या आपको लग रहा है कि बजट में एक बार फिर से आंकड़ों के जाल में वापस से उलझा लिया मोदी सरकार ने? वापस उलझाया मोदी सरकार ने, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जो उन्होंने इनकम टैक्स में जो किया है साफ साफ देते हैं ना, कोई चीज़ है साफ कुछ दी नहीं उन्होंने। आप बताइए इससे ज़्यादा मजाक क्या होगी कि वो ये बोल रही है वित्त मंत्री कि पहले वाली जो है योजना वो भी चालू रहेगी, आप चाहें तो नहीं ले लें और चाहे पहले रख लें। ये क्या मतलब, कुछ सरकारी कन्फ्यूज है? जब सरकार कन्फ्यूज हो तो कैसे भला हो सकता है।
ये गोपाल भाई थी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार पूरे मामले में बहुत कंफ्यूज है, स्पष्ट तौर से इस बजट में कोई भी घोषणा नहीं की गई है। अब आपको और भी लोगों की बयान हम सुनाते हैं, प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, सुन लीजिए। आज का बजट दिशाहीन बजट, देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला बजट, बिना विजन का बजट। ये बजट महिलाओं का हाथ खाली है, नौजवान और बेरोजगारों की एक जो लंबी कतार है उसको समाप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं है इसमें। महंगाई कैसे कमजोर होगी इसके बारे में भी नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो किसानों को जो स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की जिन्होंने बात की थी, आज भी बजट में उसको शामिल नहीं किया गया है। तो किसान की उपज का क्या मूल्य होगा, क्या नहीं होगा, जो बड़े बड़े नारे इन्होंने जो दिए थे कि नौजवान को काम देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, किसान की बात होगी, देश में विकास होगा, और ये बजट जो आज जो आया है, इस बजट में जो भी जितनी भी बात थी खाली ये बात कही जा रही है कि 2027 में हम ये कर देंगे, 2025 में ये कर देंगे, जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कार्यकाल 2023 तक का है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब जिस बिना विजन के साथ जो बजट जो पेश किया गया है, ये आम आदमी को निराश करेगा, जो गृहिणी हमारे घर में जो बैठी हुई है उसके बजट को भी खराब करेगा, आम जन और विशेष तौर से मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने वाला बजट है। इस बजट के अंदर न आपने वो विजन दिया कि हम देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, न इसमें ये इस बात का दिया कि किस तरह से हमारा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। और पहली बार मुझे बड़े इसके साथ में कहना पड़ रहा है कि पहली बार हमारी रक्षा सेनाओं के बजट को भी कम किया गया है। यह बजट नहीं अपितु एक विकास यात्रा है। आज का बजट बहुत ही शानदार बजट जो हमारी वित्त मंत्री ने पेश किया है, जिसमें मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा टैक्स में राहत देने की कोशिश की गई है, जो कि सबसे हाईलाइट पॉइंट है। इसके बाद हर जिला स्तर पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नई शिक्षा नीति, शिक्षा में FDI, किसानों के लिए इतनी 16 सूत्री योजनाएं बनाई गई है, तो हर वर्ग को इसमें ध्यान दिया गया है और एक बहुत ही शानदार बजट मैं मानता हूं। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पूरी मोदी सरकार को। अंकुर सोनी।